हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे, तो राजा के पास बहुत धन संपत्ति था, बहुत धन संपत्ति। और राजा जो थे भगवान के पुजारी थे, भक्त थे। तो राजा के तीन पुत्र था। राजा अपने राज में बड़े खुश थे, अपने प्रजा को बंधु, भाई बंधु समझते थे। प्रजा भी राजा को महान मानते थे और भाई भाई के समान सब रहते थे। उनके राज में कोई भेदभाव नहीं था। राजा अपने राज में बड़े खुश रहते थे। गुरु भाई बहना, राजा का काम था कि एक पहाड़ी था, पहाड़ी के ऊपर एक भगवान का शिव मंदिर था और शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाते थे राजा और पूजा करते थे और प्रतिदिन उतर जाते थे, प्रतिदिन जाते थे उतरते थे। बिना पूजा किए हुए राजा भोजन नहीं करते थे। तो गुरु भाई बहना, भगवान के जब तक वो जल नहीं चढ़ाते थे, उनके आस में भगवान मंदिर में बैठे हुए रहते थे, क्योंकि राजा 4 बजे उठकर स्नान करके और पर्वत पे चले जाते थे। इनकी जल का भगवान का आस लगा हुआ रहता था। गुरु भाई बहना, राजा का बेटा का तीनों का बड़ा होने पर ब्याह हो गया और तीन बहू आ गई। तो तीन बहू आ गई तो गुरु भाई बहना, राजा इतने बड़े पुजारी थे, इतने बड़े पुजारी थे कि भगवान जो थे, भगवान भी इनके कोई ऐसा मुसीबत देने से घबराते थे, भगवान भी डर जाते थे, कांप उठते थे, उनका भी आसन डोल जाता था। तो गुरु भाई बहना, शनिचरा महाराज जो थे राजा के घर में प्रवेश करने वाले थे और कुलक्षणी प्रवेश करने वाले थे, लक्ष्मी जो थे लक्ष्मी निकलने वाले थे और कुलक्षणी प्रवेश करने वाले थे। तो गुरु भाई बहना, आपस में शनि और कुलक्षणी बात करते हैं कि इस राजा के घर में कैसे प्रवेश करें। राजा जो है, राजा अपने होठों पे तो भगवान का ही भक्ति करता है, रानी है दान पुण्य करती है, कैसे इसके घर में घुसेंगे, हमको तो समझ ही नहीं आता है। ऐसा है कि लक्ष्मी बहन को हम कुछ कहेंगे तो कुछ रास्ता देगी। गुरु भाई बहना, लक्ष्मी बहन से कुलक्षणी बहन कहती है कि बहन सुनो, तू तो मुझसे छोटी हो, मैं तुमसे बड़ा हूँ, लेकिन नाम तुम्हारा ही ज़्यादा होता है, मेरा तो अपमान ही होता है। बोले लक्ष्मी माता की क्या बात है बहन, बोलो तो इस राजा के दरवाज़ा तुम छोड़ दो, हम इस राजा के घर में प्रवेश करेंगे। और राजा के घर में जब प्रवेश करेंगे, क्योंकि राजा के समय जो है खराब बीत रहा है, खराब आने वाला है, तो तुम रहेगी तो कैसे हो सकता है। लक्ष्मी बोले कि तो ठीक है बहन, पहले हम राजा के बता देंगे। तो गुरु भाई बहना, राजा से बताए लक्ष्मी माता कि सुनो राजन, सपना में कि सुनो, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा विपत्ति आने वाला है, तेरा घर में प्रवेश हो जाएगा विपत्त और हम किनारा लग जाएंगे। राजा सपन में कहते हैं कि हे लक्ष्मी माता, मेरा तीन पुत्र है, तीनों से पूछ लेंगे, उसके बाद ही हम कुछ कहेंगे। बोले कि ठीक है। सवेरा हुआ तो राजा को याद आया कि अरे,
मेरे पास तो लक्ष्मी माता आई थी। राजा बड़े बेटा और बहू बड़ी बहू से पूछने गए कि सुनो बेटा और सुनो बहू, लक्ष्मी माता मुझे स्वप्न में दिया है कि तुम्हारे घर से निकल जाएंगे। बोलो क्या लक्ष्मी माता से बोलेंगे? तो गुरु भाई बहना बेटा बोला, सुनिए पिताजी, लक्ष्मी माता जाएंगे तो लक्ष्मी माता से बोल दीजिएगा मेरे घर में सोना चांदी रुपया पैसा भर के जाएंगे और धर के जाएंगे। लक्ष्मी माता जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, रुपया पैसा धर के जाएंगे सोना चांदी। बोले ठीक है। बड़ी बहू बोली, लक्ष्मी माता जो है बड़ी दुख दे रही थी हमको, बड़ी काम करना पड़ता था, अच्छा है चले जाएंगे तो। हम तो प्रतिदिन वही कहते थे कि लक्ष्मी माता आप कब जाइएगा, बड़ी खुशी की बात है, नहीं अन्न रहेगा नहीं भोजन बनाना पड़ेगा, चलो अच्छा है। दूसरा बेटा दूसरी बहू के पास गए तो दूसरा बेटा से बताए तो दूसरा बेटा बोला कि पिताजी, लक्ष्मी माता से यही कहिएगा कि ठीक है लक्ष्मी माता आप जाइए अच्छा है, लेकिन आप मेरा घर परिवार को अच्छा से रखिएगा, मेरा घर परिवार बिखरे नहीं और मेरा घर में दाल चावल साग सब्जी कभी कमी ना हो। गुरु भाई बहना मंजली पुतो कहती है कि ठीक है पिताजी, लक्ष्मी माता जा रहे थे इसके लिए मुझे दुख नहीं है, इतना धन संपत्ति था कि हमको रखने धरने में समय बीत जाता था, दिन भर हम लगल रहते थे, भले लक्ष्मी माता चल जाएंगे हमको नहीं काम करना पड़ेगा। तीसरी बहू के पास गए तो गुरु भाई बहना तीसरा बेटा बोला कि देखिए पिताजी, लक्ष्मी माता तो चल ही जाएंगे, लेकिन लक्ष्मी माता से बोलिएगा कि सबको सुमति देके जाएंगे, कुमति कोई नहीं रहे और मन में हम लोगों का प्यार बने रहे एक दूसरे के लिए। तो गुरु भाई बहना छोटी बहू कहती है कि पिताजी लक्ष्मी माता को जाने दीजिए, हमको घर में ऐसे भी मारा पीटी नहीं हो रहा था, लक्ष्मी माता चल जाएंगे तो हमको लड़ाई झगड़ा करने में मजा आएगा, जाने दीजिए, जब तक कुलक्षणी प्रवेश नहीं होगी तब तक लड़ाई झगड़ा घर में होगा कैसे। गुरु भाई बहना राजा फिर रात में सोए तो राजा सबके बात बताए लक्ष्मी माता से। लक्ष्मी माता कहती हैं कि बेटा का विचार कुछ है, बहू का विचार कुछ है, किसके बात सुने किसके नहीं सुने। तो गुरु भाई बहना बेटा तो प्रदेश में रहता था, जैसे मान लिया जाए कि गुरु भाई बहना यहाँ से लोग पटना काम करने जाते हैं, दिल्ली काम करने जाते हैं, मुंबई जाते हैं, तो परदेश ही हो गया, और बहू घर में रहती है। तो गुरु भाई बहना बेटा जो था, बेटा का दिन सुखी जा रहा था और बहू के दिन दुखी जा रहा था, बहू के दिन दुखी जा रहा था गुरु भाई बहना, तो बेटा जहाँ भी था वो खुश था, लेकिन बेटा के ऐसा मति हो गया गुरु भाई बहना कि एक रुपया घर पे नहीं भेजने लगा, एक रुपया भी घर में नहीं भेजने लगा अपने पत्नी के खर्चा। लक्ष्मी माता की कृपा बेटा पे बन गया और बहू पे दरिद्रा के पास हो गया, लक्ष्मी माता उसको मति फेर दिए, लक्ष्मी माता की कृपा से वो एक रुपया नहीं दिया तीन गो में कोई नहीं। अब गुरु भाई बहना तीनों बहू जो थी तीनों घर में, किसी की यहाँ मजूरी करने जा रही है, किसी की यहाँ घर में झाड़ू देने जा रही है, और सांझ के आती है तो तीनों लड़ाई करती है, उसको झोटा ऊ नवाती है, उसको झोटा ऊ नवाती है। धीरे धीरे साल दो वर्ष बीत गया गुरु भाई बहना, तीन वर्ष बीत गया, लेकिन तीन गो में कोई भी नहीं आया घर पे लौट के। एक दिन का बात है कि तीनों आपस में बात करती है कि देखो बहन, हम लोग लड़ते लड़ते मर रहे हैं, लेकिन जो मेरा ससुर है उसको तो कुछ होवे नहीं करता है,
आज उसी को चलो, साग सब्जी नहीं है, उसी को काट के और मांस बना के हम लोग खा जाएंगे। यदि उसको काट के खा जाएंगे तो कई सांझ चलेगा, घर के बला वही है। गुरु भाई बहना ये बात सुनकर शंकर भगवान का शरीर कांप उठा। शंकर भगवान कहते हैं कि कितनी बेरहमी बहु है, आज मेरा भक्त को ही काट देगा। गुरु भाई बहना घर पे आई, तीनों बहुआ, शाम हुआ, रात्रि हुआ, तो राजा बेचारा बिस्तर पे सोया हुआ था और तीनों बहू बड़े प्रेम से गई, राजा के पाँव में रस्सी लगा दी, मुंह में कपड़े डाल दी, हाथ बांध दी और तीनों बहू एक कटार लेकर खड़ी हो गई काटने को लिए कि आज राजा के ही काट देंगे। गुरु भाई बहना जैसा ही बहू काटने को लिए तैयार हुई राजा को, भगवान भोलेनाथ एक विषैला नाग के रूप में प्रकट हो गए और नाग के रूप में प्रकट होकर राजा का जो सर था वो नाग बन गया और बहुत जोर से फुफकारा। राजा तो गहरी नींद में है, बहुत जोर से फुफकारा तो तीनों बहू कहती है कि भागो, हम लोग अपना जान बचाकर, ये तो राजा नाग है, ये हम लोग को तो डासी लेगा। गुरु भाई बहना कुछ, लेकिन राजा का मुंह में तो कपड़ा लगाया हुआ था, हाथ बंधा हुआ था, पाँव बंधा हुआ था। गुरु भाई बहना कुछ देर में फिर से सोचती है तीनों की चलो अब अबरी भर देखते हैं, अबरी क्या होता है, हम लोग का भ्रम था, वो तो मेरे ससुर हैं। फिर थोड़ी देर के बाद बहू जो है बहू जाती है फिर से, जब हट गई उस वक्त तो फिर से जाती है और देखती है कि इस वक्त क्या हाल है, तो राजा तो गहरा नींद में सोए थे। फिर से कटार उठाती है गुरु भाई बहना, तो राजा के आंखें खुल जाता है और कहते हैं राजा कि क्या तुम लोग राक्षसी हो जो मुझे मारना चाहती हो, क्यों मारना चाहती हो मुझे? तो तीनों बहू कहती है कि पिताजी इस वक्त ज़्यादा बोलने का समय नहीं है, अपना गर्दन तो मुझे काटने दीजिए, आपका गर्दन काट के और तीनों हम लोग मिलकर आपका मांस बना के खाएंगे, हम लोग कई दिन से भूखे हैं, आपका तो भोजन मिल जाता है लेकिन हमें भोजन नहीं मिल पाता है। गुरु भाई बहना राजा कहते हैं कि बहू यदि मेरा शरीर तुम्हें काम में आ जाए, मेरा शरीर तुम्हें भोजन में भोजन चल सके तो मेरा गर्दन काट लो और मेरा गर्दन काट के तू भोजन बना सकती हो, इसके लिए तो मुझे बहुत गर्व है, खुशी है कि मेरा बहू मेरा भोजन कर सकती है मेरा शरीर का। गुरु भाई बहना राजा ने अपने आँख मुन लिया और भगवान का याद किया, हे भगवान इस वक्त आप ही मेरा सहारा हो, कोई नहीं सहारा है, आप ही कुछ कर सकते हैं, इस वक्त मेरा सहारा कौन बनेगा? गुरु भाई बहना भगवान का ध्यान लगाकर राजा मन ही मन जापने लगे भगवान के याद, भगवान सहारा हो गए। भगवान कहते हैं कि राजा मुसीबत में है, भगवान का शरीर, राजा का शरीर भगवान पत्थर का बना दिए। तीनों बहुआ तेगा चलाने लगी और तेगा चलाते 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 हाइल कायल हो गई, पसीने पसीने हो गई, लेकिन राजा का शरीर नहीं कटा। पूरे रात लगा दी तीनों बहुआ काटने में लेकिन राजा का दाग नहीं लगा, दिन में पूरा काटती रह गई। भगवान का अपरंपार महिमा होता है गुरु भाई बहना, उसका शरीर नहीं कटा, कई दिन तक लगी रह गई राजा को शरीर काटने में बहू, नहीं कटी नहीं कटा शरीर। तीनों बेटे परदेश से आ गए,
और अपने तीनों पत्नी का कारनामा देख लिए, मेरा पत्नी क्या कर रही है। गुरु भाई बहना घर के अंदर तीनों बेटा जाते हैं, तीनों एक ही बार आते हैं, तीनों अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि तीनों बेटा जो है, तीनों बहू जो है, पिताजी का शरीर को काट रही है और पिताजी चुपचाप पड़े हुए हैं, आंख मुने हुए हैं और कुछ नहीं बोल रहे हैं। तीनों कटार चला रही है। गुरु भाई बहना कटार चलाते चलाते तीनों पसेना से तर बितर थी, होठों सूख गया था, भूखे प्यासे काटने में लगी थी, लेकिन उनका शरीर नहीं कटा। गुरु भाई बहना तीनों बेटा कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग। तो राजा कहते हैं तीनों बहुआ बनलन रकसिनिया हो, हमरा काटी के खाए तन। तीनों बहुआ बनलन रकसिनिया हो, हमरा काटी के खाए तन। काटी के खाए तन, मारी के खाए तन। अरे तीनों बहुआ बनलन रकसिनिया हो, हमरा पर कटारा चलावालन। तीनों बहुआ बनलन रकसिनिया हो, हमरा पर कटारा चलावालन। गुरु भाई बहना तीनों जो बहू है वो कहती है अरे सासू जी के देही या पथरावा हो, नाही कटारा से लागे। सासू जी के देही या पथरावा हो, नाही कटारा से काट। काई से में काटिया ये काई से सिझाई है, काई से में सासू जी के खाई आए हो। नाही काटा है देहिया, नाही काटे गोड़ावा से, नाही काटे हाथावा, नाही काटे साऊ से शरीरिया हो, हम काई से के खाई है। गुरु भाई बहना तीनों कहती है, और तीनों का ध्यान नहीं है कि मेरा पति आकर खड़ी है। तीनों जो है जब थक जाती है, बेहोश गिर जाती है, तो तीनों के पति जो हैं पानी का छिट्टे मार के तीनों के होश में लाते हैं और कहते हैं कि बोलो क्या कर रही थी। तीनों के तो आँख फटी के फटी रह गई अपने पति को देख। कहती है स्वामी जी मैं क्या करूं, आप जब परदेश गए तो मुझे समझ में आ गया कि धन संपत्ति क्या होता है। आपने तो बोले कि पिताजी आप बोल दीजिए, लक्ष्मी माता रहेंगे मेरे घर में विराजमान, धन संपत्ति देंगे। तीनों अपना अपना बातें सुना दिए, लेकिन हम लोग तो काम चोरनी बन गए थे, और काम चोरनी बन के और बोले कि धन संपत्ति से क्या मतलब है, मुझे काम करना पड़ता है। लेकिन दूसरे के घर में जाके चौका बर्तन भी किए, फिर भी पेट भर के भोजन मुझे नहीं मिला। इसीलिए हम भगवान से अब क्षमा चाहते हैं। गुरु भाई बहना वही ससुर से क्षमा मांगते हैं कि पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, हम अंधे बन गए थे, मुझे कुछ भी नहीं पता था, मुझे लगा कि आपको हम मार के खा जाएंगे, लेकिन आप तो एक पत्थर के समान आपका शरीर है, आपका कनकन में भगवान महादेव बसे हुए हैं, तो भला आपको क्या हो सकता है। गुरु भाई बहना राजा उठ खड़े हुए और कहते हैं कि सच्चे भक्त वही होते हैं जिनका एक बाल भी बाका नहीं होता है। मैं भगवान का भक्त हूँ, तुम लोग तो पापन बन के मन में पाप दृष्टि जगा के रहती हो। मेरा बेटा पूछो जहाँ भी था कैसा था। तीनों बहुआ अपने अपने पति से पूछती है, तीनों जो राजा के बेटे हैं वो अपना खुशियाँ बताते हैं, हम जहाँ भी थे अच्छे थे, हम खुश थे। राजा बोलने लगे जब से मैं भक्ति करता हूँ अपने बेटे के लिए दया मांगता हूँ भगवान से, अपना लिए अपना परिवार के लिए तूने तो कभी परिवार समझा ही नहीं। गुरु भाई बहना तीनों जो बहुआ थी भगवान से क्षमा मांगी और कहने लगी पिताजी हम भी वही करेंगे जो आप करते हैं।
हम भी अपना मन के धोकर और भगवान के पूजा पाठ करेंगे। गुरु भाई बहना अपने मन के धोकर तीनों बहुआ भगवान के भक्ति में लग गई, पूजा पाठ करने लगी। बेटा तो सारा दिन करते थे, राजा भी करते थे, लेकिन बहू भी करने लगी। उनका घर से जो शनिदेव और दरिद्रा प्रवेश किए थे वो भाग गए और लक्ष्मी माता ठन वंशज धज के बैठ गई। लक्ष्मी माता विराजमान रह गई घर में। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव। घर घर महादेव।